पर आता हूँ, मसला पेट्रोल का है, पेट्रोल का। और ये पेट्रोल को लेकर एक दिलचस्प आंकड़ा आया है, जो ये आंकड़ा आया है ये पेट्रोल को लेकर आंकड़ा आपके सामने है। पिछले एक साल में पेट्रोल के दाम कितनी बार बढ़े, देश ये जानकर हैरान हो जाएगा। इस जवाब के मुताबिक, सदन में जो जवाब दिया गया उसके मुताबिक, एक साल में पेट्रोल के दाम 78 बार बढ़े, 78 बार, और डीजल के दाम बढ़े 76 बार। और कम कितनी बार हुए, 7 बार और 10 बार। सुरेश भाई, जब कम करते हो तो सुर्खियां बनती हैं और जब बढ़ाते हो तब कोई खबर भी नहीं दिखाता। पेट्रोल और डीजल पे आपने 16 लाख करोड़ रुपए कमाए एक्सरसाइज ड्यूटी से। मैं आपके डिबेट में आने के पहले कम से कम 3-3 घंटे अध्ययन करता हूँ, पाकिस्तान में क्या भाव चल रहा है पेट्रोल डीजल का, हिंदुस्तान में क्या है, नेपाल में क्या है, श्रीलंका में क्या है। आज स्थिति यह है कि पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल नहीं है, श्रीलंका में पेट्रोल डीजल नहीं है। तो वो लोग कहाँ गए, ना वो लोग कहाँ गए जो कहते थे कि जब मोदी सरकार आएगी 40 रुपए में पेट्रोल डीजल मिलेगा, वो संत महात्मा कहाँ गए सारे? नहीं, मैं भाजपा का नुमाइंदा हूँ, मैं किसी का भी प्राइवेट व्यक्ति का नुमाइंदा नहीं हूँ। आपको उनके मुमाइंदों को बुलाना चाहिए। वो प्राइवेट व्यक्ति आपके लिए प्रचार कर सकते हैं लेकिन आप उनका जवाब नहीं दे सकते। ओके, आपने 78 बार एक साल में, पूरे एक साल में 78 बार आपने पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं, ये आप ही का आंकड़ा है जो मैं दिखा रहा था, और 76 बार डीजल के दाम। आपके कह रहे हैं नॉर्मल है, ये आम बात है। नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल। दुनिया भर में जो इन्फ्लेशन की दरें चल रही है उनको उठा के देखिए, भारत आपको बिल्कुल बोना साबित होगा।